हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की खिचड़ी रेसिपी। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है मूंग दाल की खिचड़ी। आप चाहो तो इसको रोज़ सुबह सुबह खाएं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी होती है। इसमें हम डालेंगे चावल और मूंग दाल और इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर हमें गर्म पानी डालना है। सबसे पहले तो हमें चावल और मूँग दाल को अच्छी तरीके से धुल लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने पानी को गर्म कर लिया है। आप इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालें। गर्म पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक टेस्ट के अनुसार और अब डालेंगे इसमें हल्दी। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। जब ये लो फ्लेम पे पकेगी तो ये काफ़ी अच्छी बनेगी। और जब भी आप कोई भी खाना बनाएं तो आप लो फ्लेम पर पकाने से खाना बहुत ही अच्छा बनता है। और आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं खिचड़ी अच्छे से पकने वाली है और यहाँ पे पक गई है खिचड़ी। इसमें हम घी डाल के खिचड़ी को सर्व करेंगे। और आपको खिचड़ी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये खाना बहुत ही हेल्दी है, इसलिए आप ये खिचड़ी ज़रूर बना के एक बार ट्राई करें। ये आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे।